जैसे मैंने पहले बोला था आपको कि बड़ी मस्जिद में जाना है, बड़ी मस्जिद में जाना है, लेकिन कभी देखे नहीं गया। आज हम बड़ी मस्जिद में जाने वाले और वहीं पे इफ्तार करने वाले हैं और लोगों के साथ बैठ के बीच में, क्योंकि क्या हुआ, जितने भी ब्लॉग्स बनाए मैंने, जितने भी वीडियोज़ बनाए, तो हम लोग ने कभी बाहर गए, कभी पार्टी में किए, तो कभी पब्लिक में नहीं किए, तो आज हम लोग पब्लिक में बैठ के इफ्तार करने वाले। लेकिन मुझे कुछ आइडिया नहीं है यहाँ पर मस्जिद के अंदर जो है इफ्तार सर्व किया जाता है या सिर्फ बॉक्स दे के आपको मतलब बाहर लेके जाके वो खा सकते हैं। और फर्स्ट व्लॉग जो मैंने बनाया था जाइटेक्स का, उसमें नाम मैंने रखा था हल्क, इंडियन हल्क। तो गाइस अभी हम लोग चलते हैं वहाँ पे और देखते क्या कितना सर्व किया जाता है लोगों को। अपने नसीब में है ही नहीं जाके बीच में बैठ के इफ्तार कर सके, तो लाइन में रह के बॉक्स लेके जाना है, पब्लिक पीछे आके रुक रही है। अभी पता नहीं कितनी लाइन लगेगी, पीछे आगे तो बहुत लाइन है, ये पूरी लाइन है आगे तक। काशिफ भाई, यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है क्या, जहाँ से हम खड़े हो जाते हैं वहाँ से लाइन शुरू हो जाती है, समथिंग लाइक दैट? हमेशा तो ऐसे ही होता है अपने साथ, लेकिन हम भी किसी और के लाइन में लगे हुए हैं। अभी तक तो यही लग रहा है कि लाइन में रह के बॉक्स लेके जाना है, ऐसा नहीं लग रहा है कि वहाँ पे विस्तार करना है, तो देखते। यू हैव टू सिट इनसाइड। फाइनली हम लोग आ गए अंदर और यहाँ पे इफ्तार के लिए बैठ सकते हैं। तो हल्क भाई, कैसा लग रहा है आपको? बहुत नॉट सो गुड। व्हाई इज इट सो? The mosque is amazing. Interiors are amazing. We cannot go inside right now. After iftar, we can go inside. अभी टाइम हो रहा है 6 o'clock, तो इसके वजह से सारे लोग और आज मुझे मौका मिल गया है बैठने का इन सब लोगों के साथ। हल्क भाई बोल रहे हैं बहुत टाइम है, तो just have a look at box. Hello dosto, assalamu alaikum, assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel, this is aneeesmukadam and you're watching AM vlogs. So guys, aaj hum log aaye badi masjid mein, jo ki main pehle bahut dinon se bol raha hu ki badi masjid mein jayenge, badi masjid mein jayenge. To ye crowd hai upar, crowd bada hai, ye bada crowd hai yahan pe. तो गाइस टाइम आ गया है इसको अनबॉक्सिंग करने का, लेट्स सी क्या क्या है चीज़ अंदर। वाटर बॉटल है, ये जूस है, ऑरेंज जूस है, कर्ड है, खजूर है, समोसा है,
यस ये बिरयानी है। तो बस इतनी सारी चीज़ें हैं, बस एक चीज़ रह गई इनको पूछने के टाइम नहीं मिला कि कितने लोगों को सर्व किया जाता है एंड ऑल। जितने भी हम लोग ने लास्ट टाइम देखे थे आई थिंक 500 थे फर्स्ट टाइम देखे थे, उसके बाद हम लोग ने देखा आई थिंक 2000 था यहाँ पे, आई थिंक उससे ज़्यादा है, क्योंकि लाइन में जो लग के पब्लिक लेके जाती है वो अलग है और जो बैठी हुई है यहाँ पर जो बैठा हुआ क्राउड है वो अलग है। तो मैं कोशिश करूँगा कि बाद में जब नमाज होगी नमाज के बाद किसी को एक बंदे को पकड़ के उसको पूछूँ कि कितने लोगों को सर्व किया जाता है अगर पॉसिबल है तो, अदरवाइज जस्ट हम लोग गेस करेंगे कि आई थिंक दिन में 3000-4000 लोगों को सर्व किया जाता है। तो फिर मिलते हैं नमाज के बाद या फिर इफ्तार के बाद, इफ्तार के बाद नमाज होगी नमाज के बाद फिर हम मिलते हैं। Especially the end of the Ramadan. Thank you, bro.
हम कितने इंडियन भी हैं देखिए नो प्रॉब्लम यू कैन स्पीक इन इंग्लिश सबको बोलो दो हम यात्रा करेंगे गाइस ओनर से हमने बात कर चुके हैं जो कि बोले कि अराउंड 2700 के आसपास लोगों को सर्व किया जाता है डेली बेसिस पे और उसके बाद चाय दिया जाता है चाय के बाद फिर यू नो वाइंड अप किया जाता है तो गाइस इससे से हम वीडियो ख़त्म करते हैं बी पार्ट ऑफ माय नेक्स्ट वीडियो सी यू सून शुक्रन मासलाम है अभी भी कोई साथ में होता है तो साथ में बोलना चाहिए क्या बोलते भाई शुक्रन मासलाम है या अभी भी